तमाम मेरे गार्डन फ्रेंड्स को वैगी सुमकिंग गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो एक्सिया फ्लावरिंग बल्ब्स के हवाले से है। अपने गार्डन फ्रेंड्स को एक्सिया फ्लावरिंग बल्ब्स को कैसे लगाते हैं इसके हवाले से टिप्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, एक्सिया फ्लावरिंग बल्ब्स को कॉर्न लिली फ्लावर्स भी कहते हैं और कुछ इस तरह के इसमें खूबसूरत से प्यारे से मल्टी कलर के फूल निकलते हैं और आपको इधर स्क्रीन पे भी, यहाँ विंडो स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे इस तरह के मल्टी कलर के फ्लावर्स हैं। जैसे आप मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये बुक में देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्सिया और कॉमन नेम है कॉर्न लिली फ्लावर्स। जैसे भी मैंने बताया से कॉर्न लिली फ्लावर्स भी कहते हैं। और इस बुक में इस फ्लावरिंग बल्ब्स के हवाले से हर तरह से टिप्स और इन्फॉर्मेशन है। इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कहाँ से ताल्लुक़ है। बेसिकली एक्सिया जो फ्लावरिंग बल्ब्स है इसका ताल्लुक है आयरिस फैमिली से है और ये नेटिव टू साउथ अफ्रीका से है, यानी हॉट क्लाइमेट में बेसिकली इसका जो ताल्लुक है। इस बल्ब को कब फ्लावर्स आते हैं, मेरे गार्डन फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मौसम के मुताबिक स्प्रिंग में, बारिश के महीने में इसमें खूबसूरत प्यारे से इसमें ये जैसे फ्लावर्स हैं आप देख रहे हैं, इस तरह के फूल खिलते हैं। इसकी कल्टीवेशन और इसकी केयर के हवाले से सारे टिप्स दिए हुए हैं। प्रोपोगेशन है कि इसकी आगे किस तरह की प्रोपोगेशन होती है और आगे क्या से जो है प्रॉब्लम्स हैं, यानी कुछ इसमें किसी किस्म का कुछ स्पाइडर माइट किसी किस्म का इफेक्ट है, हर तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बुक में दी हुई है। और यही इन्फॉर्मेशन आपने तमाम गार्डनर फ्रेंड्स को आज इस वीडियो में एक्सिस के हवाले से मैं शेयर करूंगा। इसकी बल्ब्स को के लगाने से लेकर और तब तक करूंगा कि जब तक इन पर खूबसूरत प्यारे से बाहर के मौसम में प्यारे से इसमें एक्सिया पे फूल ना आ जाएँ। और मेरी अपनी वीडियोस अपने गार्डन फ्रेंड्स के लिए आती जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप हर तरह से इन्फॉर्मेशन मैं देता जाऊंगा। तो बेसिकली मेरे गार्डन फ्रेंड्स, एक्सिया है एज ए कट फ्लावर भी है। आप जब इस पर खूबसूरत प्यारे से फूल आएंगे, स्प्रिंग बाज के मौसम में फूल आते हैं और अप्रैल तक रहते हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जो बल्ब्स आप इस वक्त अभी मैंने ये दो बल्ब्स परचेस किए हैं, बाद में यही बल्ब्स के बेबी बल्ब्स भी बनेंगे और आप बल्ब्स आसानी है घर में सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि ये हॉट क्लाइमेट से ताल्लुक है। USD जोन 10 में इजीली इसकी ग्रो हो जाती है, बाद में बल्ब्स भी बनते हैं। और हमारा ताल्लुक भी लाहौर पाकिस्तान मैदानी इलाके से है और इसमें इजीली ग्रो भी हो जाते हैं और बाद में बल्ब्स भी बनते हैं। तो पहली बात तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी मैंने अभी वीडियोस अभी मेरी अक्टूबर के महीने से आ रही हैं और स्टिल अभी आती रहेंगी जब तक के बाहर के मौसम में, जब तक सारे मेरे फ्लावरिंग बल्ब्स पे फूल नहीं आते जाएंगे, अपने गार्डन फ्रेंड्स को वीडियो में शेयर करता रहूँगा। और जिन मेरे गार्डन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे गार्डन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद होते रहें। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ऐसे है कि ये आप दो बल्ब्स देख रहे हैं, अभी तक जितने भी मैंने बताया कि आप हेल्थी और फ्रेश आपके बल्ब्स होने चाहिए, चाहे आप ऑर्डर के जरिए घर पे मंगवाएं, चाहे आप खुद जाके लें, कोशिश करें कि हेल्थी फ्रेश। जैसे आप ये बल्ब देख रहे हैं, ये एक्सिया के कुछ इस तरह के बल्ब्स हैं और ये यहाँ से इसकी ये आप देखें ये ग्रीन कलर की, अगर मैं ये कैमरा ये इसमें क्लोज लेके रहा हूँ, ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये ग्रीन कलर की ही है। यहाँ ये है, ये सप्राउट है इसकी, डेट इस कॉल दैट सप्राउट है। और ये थोड़ा सा यहाँ से भी स्प्राउट निकली है। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, एक्सिया के जो ये बल्ब्स हैं ये एक इंच इसका साइज़ है और ये एक ही इंच इसका ये वाइट स्प्रेड है और कुछ इस तरह के ये बल्ब्स होते हैं। अब इन बल्ब्स को हम तकरीबन 3 से 4 इंच तक हम इसकी डेप्थ है मिड सॉइल में दबाएंगे और अगर एक से ज़्यादा बल्ब, आप एक बल्ब को एक पॉट में छोटे पॉट में उसमें भी आप ग्रो करा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बल्ब्स हैं, ज़्यादा बल्ब जैसे मेरे पास ये दो बल्ब्स हैं, अगर 4 बल्ब्स हैं,
आप एक बड़े से पॉट में आप भी ग्रो करवा सकते हैं। एक बल्ब से दूसरे बल्ब का जो दरमियानी फासला है, फॉर एग्जांपल ये बल्ब है और ये बल्ब है, इस बल्ब का जो दरमियानी फासला होगा यहाँ से, ये तकरीबन कोई 3 या 4 इंच का होना चाहिए। और जो डेप्थ मैंने कही है 3 से 4 इंच, वो भी नीचे होनी चाहिए। वो इसलिए जो होनी चाहिए डेप्थ, ज़रा थोड़ी सी आप कोशिश करें 4 इंच तक रखें, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स की जो स्पाइक आती है, जैसे मैंने इसे कॉर्न लिली फ्लावर्स भी कहते हैं, जस्ट लाइक कोई काफ़ी 2.5 फुट तक ऊपर आके इसमें फ्लावर निकलते हैं। जैसे ये मेरे पीछे आप एलोवेरा के ये आप देख रहे हैं, प्लांट देख रहे हैं, और एलोवेरा पे जब ये अभी तक मेरे फ्लावरिंग स्पाइक निकली हुई है, यहाँ से ये स्टिक निकली हुई है, आप देखें मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये स्टिक निकली हुई है, ये ऊपर आके ये एलोवेरा पे खूबसूरत प्यारे से फ्लावर खिले हुए। इसी तरह कॉर्न लिली फ्लावर्स, जैसे इसका नाम है एक्सिया है, कॉर्न लिली फ्लावर्स इसे कहते हैं, तो इसमें भी कॉर्न लिली फ्लावर्स पे भी इस तरह के कुछ इनमें आके फूल इस तरह के खिलते हैं। इसकी इतनी हाइट होती है, इतनी हाइट पे आगे। तो मैंने ये पॉट है वो तकरीबन ये आप पीछे देख रहे हैं 7, मैंने ये 12 इंच का ये पॉट लिया हुआ है, और इस पॉट में मैं 2 एक्सिया के बल्ब लगाऊंगा। एक मैं बल्ब यहाँ रखूंगा मेरे गार्डन फ्रेंड्स, और दूसरा बल्ब मैं ये यहाँ रखूंगा, ये यहाँ से नीचे रूट्स हैं, यहाँ से मैंने बताया शुरू में स्प्राउट है, दूसरा बल्ब आपका यहाँ होगा। अब यहाँ 3 से 4 बल्ब भी लग सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल 2 बल्ब्स लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 ही बल्ब्स हैं। आप जितने आपके बल्ब्स रिक्वायरमेंट है आप एटमीस्ट 4 बल्ब्स भी लगा सकते हैं। अब सॉइल के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि जो विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स है इसकी जो सॉइल है उसका कॉम्बिनेशन बहुत स्पेशल तरीके का होना चाहिए, क्योंकि जितनी सॉइल आपकी मॉइस्ट और बेहतर होगी उतना पौधे बल्ब्स की हेल्थी ग्रोथ होगी, स्प्राउट उसमें बनी हुई है। और बाद में हेल्थी ग्रोथ का मतलब है सही इन टाइम इसमें ग्रोथ होगी, मौसमी काफ़ा क्रॉली है, और बाद में आके इसमें प्यार से फूल भी बनेंगे। मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, अब जरा देखते हैं कि विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स की सॉइल का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 30% हम नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे। अगर मिट्टी आपकी चिकनी है, ज़्यादा चिकनी है, तो उसमें रेत आप ज़्यादा मिक्स करें। 10% मैं इसमें रेत डालूंगा, और 10% इसमें मैं ये गोबर की खाद, बहुत ही रिफाइंड किस्म की गोबर की खाद होनी चाहिए, ये 4 साल पुरानी गोबर की खाद है, ये लेंगे कॉम्बिनेशन। 20% मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट लूँगा, 20% मैं इसमें ये पत्तों की खाद, ये आप देख रहे हैं ये पत्तों की खाद है, ये लेंगे। और टॉप लेयरिंग के लिए मैं ये कोकोपी लूँगा, ये 10% लूँगा। अब ये 100 का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, 30% ये है, 10% ये है, 40% और 10% ये है आपका 50%। 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% है आपकी पत्तों की खाद, और 10% ये है कोकोपी टॉप लेयरिंग के लिए। तो ये 100 का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले कंटेनर के जो बेस में, जैसे छोटा सा मैंने अभी पॉट रखा हुआ आपको समझाने के लिए, बेस में हम मिट्टी, रेत और ये गोबर की खाद तीनों को मिक्स करके हम नीचे बेस में रखेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ दूसरी जो तय होगी, सेकंड लेयरिंग होगी, यहाँ जहाँ हमने बल्ब लगाना है, या हम ये वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद और मिट्टी को फिर दोबारा मिक्स करके यहाँ तक हम फिल आउट करेंगे, यहाँ हमने बल्ब लगाना है। बल्ब लगाने के बाद ऊपर टॉप लेयरिंग के लिए हम फिर कोकोपीट और हल्क को मिक्स करेंगे थोड़ी सी सॉइल में, और ऊपर से फिल आउट कर देंगे इसमें जहाँ से इसका स्प्राउट है या है। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन था इस विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स की सॉइल के हवाले से। जी मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, आप जरा लगाते हैं इन बल्ब्स को। सॉइल का जो मैटर मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया हुआ है, सॉइल के कॉम्बिनेशन के हवाले से अभी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, सारा मैटर मैंने मिक्सअप कर लिया हुआ है। जस्ट हम बल्ब को लगाएंगे, और ये इस बल्ब को मैं ये 4 इंच तक, ये मैंने ये यहाँ से ये यहाँ तक देख रहे हैं, ये 4 इंच तक मैं ये जैसे उंगली का भी है, ये 3 से 4 इंच तक मैं इसे यहाँ नीचे दबाऊंगा बल्ब को।
एक बल्ब मैंने यहाँ रखा है और दूसरा जो बल्ब है ये भी मैं तकरीबन कोई 4 इंच तक, दूसरा बल्ब है जो मैंने ये तकरीबन ये 4 इंच तक ये यहाँ से ये दूसरा यहाँ ये करूँगा। बल्ब को लगाने के बाद आप फुल सनलाइट में रखें, अगर काफ़ी क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, दिन का टेम्परेचर 17 है, रात का यहाँ 6 सेंटीग्रेड है, काफ़ी सर्दी का है मौसम है, और जितनी सनलाइट में आप इसको रखेंगे उतनी जल्दी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। पहली दफ़ा आप अच्छी तरह इसको पानी दें, पानी देने के बाद आपकी वेल ड्रेनेज आपका पॉट होना चाहिए, तब आप उसके बाद दबा हुआ पानी देना है जब इसकी सॉइल ड्राइड हो, जब इसकी सॉइल ड्राई आउट हो, ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स है, उम्मीद करते हैं कि मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय, आसिम नवाज फ्रॉम वैगी सोमपिंग गार्डन।